हमें प्रतीत होता है कि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा है। उस खड़कते हुए द्वार को खोलने के अतिरिक्त, परंतु प्रश्न यह है कि उस कक्ष में, यहां से आज तक कोई भी लौट कर पुनः नहीं आया है, उस कक्ष में जाएगा कौन? महाराज आप कहां विश्वास करते हैं इन कहीं सुनी बातों पर? कथन तो सत्य आपका गुरु है। ये सब तो मिथ्या है महाराज, भ्रम है। आपका महल है महाराज, बाल्यकाल से इस महल के चप्पे चप्पे को आप जानते हैं। राजकुमार को ढूंढ लाना तो आपके लिए चुटकी बजाने जैसा है। आप महाराज हैं महाराज जी। हम महाराज हैं और इसीलिए तो परीक्षा लेना चाहते हैं आप सभी की, कि कौन है हमारे दरबारियों में से वो बहादुर व्यक्ति जो उस कक्ष में जाएगा, हमारे कुंवर वसुदेव को वहां से वापस लेकर आएगा और ये सिद्ध करेगा कि अब तक उस भूतिया कक्ष के बारे में हमने जो कुछ भी सुना है वो मिथ्या है, वो भ्रम है। कौन है? तो महाराज, इस परीक्षा देने का ये अवसर हम सर्वप्रथम पंडित रामकृष्ण को देते हैं। है? हाँ। अच्छा तो फिर ठीक है, बताइए महान ज्ञानी कौन आप या हम? हम। अंतर्यामी कौन आप या हम? हम। दूरदर्शी कौन आप या हम? हम। अधिक अनुभवी कौन आप या हम? हम। तो कक्ष में कौन जाएगा आप या हम? हम। महाराज गुरुवर जाएंगे। फंसा बुड्ढा। महाराज ये बात पूरी नहीं करने देते हैं, बात तो सुना कीजिए पंडित रामकृष्णा। क्या? हम ये चाहते हैं कि प्रथम अवसर आप लोगों को प्राप्त हो। आप मत जाइए, महामंत्री जी आप जाइए। हाँ जी। हम यदि आचार्य, यदि हम यहाँ से चले गए तो यहाँ की व्यवस्था और सुरक्षा कौन संभालेगा? हम संभाल लेंगे। आचार्य ही जाएंगे। आचार्य आप जाएंगे। शान, हमें प्रतीत होता है कि इस प्रकार तो कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा, निर्णय स्वयं हमें लेना होगा और हमारा निर्णय है। एक क्षण महाराज, क्षमा कीजिए। इससे पहले कि आप कोई निर्णय लें, हम आपको बताना चाहते हैं कि रात्रि में उस कक्ष में जाना बुद्धिमानी नहीं होगी। जी महाराज, कहीं अंधकार में बालक के जीवन को बचाने के स्थान पर संकट में न डाल दें। हमारी ब्रह्म दृष्टि ऐसा करने से मना करती है। और हाँ महाराज, साथ ही साथ हमें कुमार वासुदेव की खोज राजमहल में जारी रखनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वो राजमहल में या कहीं आसपास तो नहीं। क्यों पंडित रामकृष्ण, हमने उचित कहा ना? उचित है। हम आपको एक पैर का समय देते हैं, उसके भीतर आप सुनिश्चित कर लीजिए जो करना है और यह भी तय कर लीजिए कि कौन बहादुर उस कक्ष में जाएगा, अन्यथा वो निर्णय हमें लेना होगा। अभी के लिए तो बच गए। हाँ। दो शास्त्र स्वर्ण मुद्रा है। नहीं 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 नहीं, ताल तो है तो स्वर्ण मुद्रा है। 8,000 स्वर्ण मुद्राएं। हाँ माँ, कार्य इतना कठिन है तो पुरस्कार भी अधिक होना चाहिए। कौन सा कार्य, कैसा पुरस्कार? जिस विषय में आप हमें बताना नहीं चाहते थे हमें ज्ञात हो गया। क्या ज्ञात हो गया? यही से माला ताला कलकते कक्ष में लुप्त हो गया और तू उसे बताने जाने वाला है। वो
उठा लो, उठा लो। वही तो शारदा, उस बालक को उठाने के लिए मुझे उस भूतिया कक्ष में जाना होगा। नहीं नहीं, बालक को नहीं, इस अवसर का लाभ उठा लो। परंतु मैं तो, अरे आप कर सकते हैं, इस कार्य के लिए आपको 8,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। हम तो सोच भी नहीं पा रहे हैं इतनी राशि का हम करेंगे क्या। तब मत सोचो ना, किसने बोला है सोचने के लिए। क्यों ना सोचे, महामंत्री और तथाचार्य ये कार्य करने से रहे, महाराज तो ये कार्य तुझे ही देंगे। जब भी कोई विपदा आई है तूने स्वयं कष्ट लेकर उस विपदा को दूर किया है। शुभ शुभ बोलो अम्मा। शुभ, ग्यारह, ग्यारह शुभ होता है। भगवान करे महाराज तुझे 11,000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार दे। शब्द हमारे, परंतु विचार तो अम्मा के है ना। चाहे जिसके भी हो। वैसे ये विचार हमारे भी है, हमें ऐसा लगता है कि आप उस भूतिया कक्ष से उस बालक को बचाकर ले आएंगे। आप चिंता मत कीजिए। हाँ लामा, तुम मालत का प्रिय, तो मालत तुझे ही भेजेंगे उस नलभक्ति कक्ष में। मैं महाराज का प्रिय हूँ ना, तो महाराज मुझे नहीं भेजेंगे, वो किसी और को भेजेंगे। अशुभ विचार मन में मत लाइए, आपने सदैव अपनी बुद्धि से सब कुछ ठीक किया है। महाराज आप ही को भेजेंगे और उस बालक को ढूंढने का पुरस्कार भी आप ही को मिलेगा। हम भगवान से आपकी रक्षा की प्रार्थना करेंगे। जिस भूतिया कक्ष से आज तक कोई वापस नहीं आया, आप आ ही जाएंगे। अरे सांत्वना दे रहे हो या भयभीत कर रहे हो, इससे तो अच्छा है कि मैं अस्वस्थ हो जाऊं और मुझे वहां जाना ही ना पड़े। हाँ, हम अस्वस्थ, अत्यंत अस्वस्थ, हमें तीव्र ज्वर। मानसिक ज्वर तो नहीं है ना गुरुजी, जीवित रहेंगे या फिर प्रस्थान करेंगे स्वर्ग की ओर। अरे धनी, मानसिक ज्वर कैसे हो सकता है, मानसिक ज्वर होने के लिए मस्तिष्क का होना आवश्यक है ना। हमें कुछ नहीं हुआ मूर्ख, हमें ज्वर बस यही बोलना है राज दरबार में। नहीं नहीं गुरुजी, पकड़े जाएंगे, हम नहीं, हम नहीं। पंडित रामकृष्ण कोई ना कोई औषधि जरूर ले आएंगे। हाँ गुरुजी, याद है ना पूर्व में भी आपको ही भेजा था उस भूतिया हवेली की ओर, इस बार भी आपको ही भेजेंगे इस नरभक्षी कक्ष की ओर। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम उस कक्ष में नहीं जाएंगे, और यदि जाना पड़ा तो सर्वप्रथम हम तुम दोनों को भेजेंगे। हम दोनों आपके पास आएंगे ही नहीं गुरुजी। हाँ गुरुजी, उस भूतिया कक्ष में जाने से पूर्व ही हम तो लुप्त हो जाएंगे। हाँ, जैसे भी भोजन के लिए लुप्त हो जाएंगे। मिल गया उपाय। बुद्धिमान तो हो तथाचार्य, अब उस कक्ष में पंडित रामकृष्णा को ही जाना होगा। आचार्य ने तो अवश्य कोई उपाय निकाल लिया होगा स्वयं को बचाने का और आपको भेजने का। उनसे पूर्व तो तुम तीनों मुझे वहां भेजने की तैयारी में लगे थे, मुद्राएं गिन रहे थे। सोचो सोचो, यदि तुम्हारा रामा सचमुच उस कक्ष में जाकर कभी वापस नहीं आया तो सदैव के लिए। ये विचार तो हमने किया ही नहीं। कहां से करोगी, सारा विचार विमर्श तो पुरस्कार के बारे में ही हो रहा था ना। आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, और अगर आपको जाना भी पड़े तो हम सब आपके साथ जाएंगे, है ना अम्मा। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर लामा, तेरे मस्तिष्क पे कोई ना कोई उपाय आ ही जाएगा। तू निश्चिंत होकर सो जा, कल की कल देखेंगे और सब साथ में देखेंगे। रामा, सत्य कह रही थी शारदा और अम्मा, तथाचार्य ने तो सभा में न आने का कारण ढूंढ लिया है, तुझे ही उस कक्ष में जाना होगा।
अब तेरा क्या होगा रामा? तू लुप्त हुआ तो मुझे भी तेरे साथ लुप्त होना पड़ जाएगा। सुना है भूत प्रेत सबसे पहले चोटी पकड़ते हैं। महाराज, इतना समय व्यतीत हो गया है, आप कुछ करते क्यों नहीं है? कम से कम एक रात्रि चैन से व्यतीत हुई है बिना वसु के, अनेक समय और व्यतीत हो जाने दो शांति से। यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो हम करेंगे। दासी, हम जाएंगे। कहाँ? अपने भाई को ढूंढने के लिए। और ये पोटली? इस पोटली में हमारे भाई के लिए भोजन है। वासुदेव भूखा होगा ना, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। रुकिए। आप नहीं, हम जाएंगे आपके भाई को बचाने के लिए। आप क्यों जाएंगे हमारे भ्राता को ढूंढने के लिए? क्योंकि जो आप कर सकती हैं, वो हम भी कर सकते हैं और आपसे उत्तम कर सकते हैं। हम ही जाएंगे आपके भाई को बचाने के लिए। भाई हमारा है, हम जाएंगे। हमारा भी भाई है। आपका भाई? हाँ महाराज, है ना, मायके में पिताजी के पास। तो आप अपने भाई के पास जाइए, हम अपने भाई के पास जाएंगे उसकी रक्षा हेतु। शांत, शांत हो जाइए आप दोनों। हम कुछ करते हैं, हम जैसे गुरु और लौट आते हैं, हम कुछ करते हैं। महाराज, 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 अब हमारे गुरुजी नहीं आएंगे। हमारे प्रिय गुरुजी कभी नहीं आएंगे, जिनकी हम इज्जत करते थे। आचार्य नहीं रहे अर्थात, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं हमारे गुरुजी ने कहा है कि वो लुप्त हो गए हैं और अब कभी नहीं आ पाएंगे। क्या उन्होंने कहा कि वो लुप्त हो गए हैं? संभव है महाराज, हमारे परम पूज्य गुरुजी इस पत्र में कहते हैं कि बड़ पड़। हम महान पंडित तथाचार्य, राज्य के सबसे प्रिय महाराज के दुलारे, अपने राज्य के प्रति अपना धर्म, आस्था और कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए उस भूतिया कक्ष में जा रहे हैं। वासु को ढूंढकर लौटेंगे, अन्यथा कभी नहीं लौटेंगे। अर्थात गुरुवर सचमुच उस नरभक्षी कक्ष में चले गए? चले गए हैं और अब तक नहीं आए हैं। महारानी चिन्ना देवी, देखिए आप बड़ी महारानी है और आपका भाई है, तो आप ही अपने भाई को बचाइए। हम जो भी करते हैं उससे उत्तम तो आप करती हैं। आप ही जाइए, आप निपुण हैं हर चीज में। अरे जब आपका भाई है तो हम क्यों जाएं? आप जाइए, हम कह रहे हैं ना आप जाइए। अरे हम क्यों जाएं? आप जाइए, हम कह रहे हैं आप जाइए। आप जाइए ना। शांत, शांत हो जाइए आप दोनों। हमारे रहते आप में से किसी को भी जाने की आवश्यकता नहीं है। बच गया रामा, हमारा स्वयं जा रहे हैं। पंडित रामकृष्ण महाराज, उस कक्ष में आप प्रवेश करेंगे। मैं महाराज, नहीं नहीं, मैं पंडित रामकृष्ण, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आप वहां अकेले नहीं जा रहे हैं। अच्छा, अर्थात आप भी साथ में चलेंगे? हमारी शुभकामनाएं आपके साथ जाएंगी पंडित रामकृष्ण। नहीं महाराज, वो बंद कक्षों में मुझे बड़ी घुटन सी महसूस होती है, श्वास नहीं आता और अंधकार में तो मुझे दिखाई भी नहीं देता महाराज, और आज तनिक स्वास्थ्य भी खराब है। तो पंडित रामकृष्णा,
जो आज्ञा महाराज, मैं ही चला जाऊंगा। अद्भुत, प्रसन्न हुए हम। रामा, इस दरबार और समस्त मित्रों को अंतिम दर्शन कर ले, अब इनसे पुनः भेंट नहीं होगी। ये ताला कैसे तोड़ूं? यहाँ आसपास कोई सहायता के लिए भी नहीं है। अम्मा शारदा गुंडप्पा ने कहा था कि वो मेरी सहायता करेंगे, किंतु कोई नहीं आया। मुझे तो पहले से ही ज्ञात था कि कोई नहीं आएगा। मुझे अकेले को इस खड़कते बंद द्वार के समक्ष खड़ा कर दिया सबने। मुझे तो पहले से ज्ञात था कि तुम लोग अवश्य आओगे। अब आए हो तो ताला तोड़ने में मेरी सहायता करो। तुम लोग मेरी सहायता ही करने आए हो ना? हाँ, सहायता ही करने आए। ये ले लाठी, तोड़ दे ताला। आज तक क्या था? पुलिस ही था, लेकिन पहले तूने पुलचा दिखाया नहीं ना, अब कुंडी भी खोलते भूतिया कक्ष के द्वार की। अच्छा, तुझे बड़ी शीघ्रता है ना? आ, तू खोल, आजा, तू खोल, 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 खोल। नहीं नहीं, ये तू कम, मैं कैसे कल तक था, तू ही कल अपने हाथों थे। पीछे क्यों हट गए? मेरी सहायता करने आए थे ना तुम लोग? तो सहायता तो करने आए, इसलिए तो राखी दी थी, अब आशीर्वाद दे रही हूँ। और मेरी शुभकामनाएं भी है। हमारी भी शुभकामनाएं, एक सुंदर सुशील संस्कारी सती धावित्री पत्नी की शुभकामनाएं आपका आपकी रक्षा करेंगे। उठा लो। क्या तुम्हारी शुभकामनाएं? नहीं, अम्मा की लाठी उठा लो, अंदर रक्षा के काम आएगी। क्या है, जाना? हम ही अम्मा कह रहे हैं। जा रहा हूँ। जाइए ना। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। ऐसे अंधकार वाले स्थान पर तो मैं तभी नहीं जाऊंगा। मुझे अकेले भेजा ना यहाँ पे, कभी बताता हूँ। अरे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा सोचा था, बड़ा ही मनमोहक स्थान है। अरे वाह, इतनी सारी घंटियाँ। घंटियाँ
यहाँ तो लड्डू भी है। अम्मा, और लड्डू के साथ साथ नौलखा हार भी है। डप्पे ये देख, ये रही तेरी घंटिया। अरे अम्मा ये रहे लड्डू, खा लो। और तुम्हारा नौलखा हार ये रहा, पहन लो। हाँ दुष्ट नालायक कपटी, तूने हमें छला, हम नहीं रहेंगे यहाँ। चलो चलो। ये खुल क्यों नहीं रहा? ये केवल बाहर से भीतर आने का द्वार है, केवल बाहर से ही खुलता है। हे भगवान, अब क्या हुआ? छल, घोर छल, वही जो आपने हमारे साथ किया। नहीं नहीं, उससे भी बड़ा छल जो गुरुवर ने किया है। वो तो इस कक्ष में आया ही नहीं है। आपको कैसे ज्ञात हुआ? अरे थोड़ा तो मस्तिष्क को उपयोग करो। द्वार का ताला मैंने तोड़ा, द्वार मैंने खोला, इसका मतलब यही होना कि प्रथम मैं ही इस कक्ष में आया हूँ। गुरुवर इस कक्ष में आए ही नहीं। ये ताला तोड़ने से पहले क्यों नहीं सोचा? मैं डरा हुआ था ना। यानी वो तो तुत्ते भी बले छलिया निकले। अरे तो केवल तुम तीनों को छला इस अंधेरे कक्ष में तुम्हारा साथ पाने के लिए। तो गुरुवर ने तो मंत्रीवर को, महारानी को, महाराज को, अभी तो इस राज्य को छल की पराकाष्ठा दिखाई है। एक झूठे पत्र के द्वारा स्वयं को महादेश प्रेमी, महाबली, महाशूरवीर दिखाकर सबको महामूर्ख बना गए गुरुवर।